नमस्कार, स्वागत है आपका i24x7 पर। मैं हूं आपके साथ कंचन कुमार। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस से बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा दिख रहा है। जी हां, 28 मंत्रियों की लिस्ट में 11 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री बने हैं। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि यह मंत्रिमंडल का नहीं, यह जनसेवकों का गठन है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सिंधिया ने कहा है कि जो लोग मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं वे जान लें कि टाइगर अभी जिंदा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की जनता के लिए सदैव सिंधिया परिवार समर्पित रहा है, चाहे राजमाता हो या मेरे पिताजी माधव हो। न्याय का रास्ता अपनाना, सच का रास्ता अपनाना सदैव सिंधिया परिवार का संकल्प है और प्रण रहा है। कमला सरकार पर निशाना साधते हुए सिंधिया ने कहा है कि 15 महीनों में भ्रष्टाचार आलम रहा है। इस दौरान प्रदेश को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती रही। मुझे पूर्ण रूप विश्वास है कि शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में जनसेवकों की पूरी टीम पूरे मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल स्थापित करने में समर्पित होगी। 100 दिनों में जो शिवराज सिंह ने कोरोना का सामना किया है उसे निपटाने की कोशिश की है। जिस कोरोना के लिए कमलनाथ ने एक भी बैठक नहीं की, अपने कार्यकाल में आज मैं शिवराज सिंह को साधुवाद करना चाहता हूं कि इस मुश्किल समय में अकेले होकर भी कोरोना का सामना किया, किसानों के हित में काम किया। सिंधिया ने कहा कि आज हमें वैसा आदमी नहीं चाहिए जो सिंहासन पर बैठे अपने को राजा महाराजा समझे। हमें शिवराज सिंह चौहान जैसा जनसेवक चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने 15 महीनों में क्षेत्र के विश्वास के लिए एक भी रुपया नहीं दिए। अब मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार चलेगी। कोरोना वायरस को हरा कर लौटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये घातक बीमारी है, कोई चांस मत लो, इसे भुगत कर आया हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, i24x7। आज हो चुका है और जैसे मैंने अंदर कहा था ANI को कि ये मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, केवल ये मध्य प्रदेश के जनसेवकों का विस्तार है। जो 15 महीने में हमारा अनुभव रहा है, जहां सिंहासन पकड़ने के लिए कश्मकश हर तरीके के गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया था, आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा साहब के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से शिवराज सिंह जी का जनसेवकों का की सेना का गठन हुआ है। और मेरा एक ही निवेदन है हमारे सारे सम्माननीय जनसेवक मंत्रियों से कि मध्य प्रदेश की आवाज को हमें बुलंद करना है। किसान, गरीब और हरेक वर्ग के लोगों का उत्थान के लिए हम लोगों को संकलित होना है और एक प्रगतिकारक सरकार बने, एक विकासशील सरकार बने और मध्य प्रदेश का झंडा देश में हम लोग बुलंद करें। सर, उपचुनाव कितनी बड़ी चुनौती है? 24 उपचुनाव। देखिए, हर चुनाव चुनौती है, पर मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है और जो 15 महीनों की सरकार रही, जहां हर तरीके का भ्रष्टाचार का आलम फैलाया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई, इस भाजपा की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिन्होंने सदैव जनता का रास्ता अपनाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i24x7, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला हमेशा जारी रहता है।